Hey guys, press the bell icon and never miss a video from the NVT. हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी भोपाल में फिरोज भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह शादाब। सबसे पहले तो फिरोज भाई, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भाई बहुत बहुत रमजान मुबारक हो शादाब भाई जी। तो इस वीडियो में क्या दिखा रहे हैं भाई? भाई हमारे एक बहुत अजीज भाई है, हमारे कस्टमर है, पार्टी है हमारी, फारूक भाई जो सूरत से है, ओके, साउथ अफ्रीका में भाई का वर्क है। अच्छा, ये उनके बकरे हैं भाई के। ठीक है, तो इस वीडियो में कितने बकरे दिखाएंगे आप? भाई इसमें इंशाल्लाह अपन दो खस्सी दिखाएंगे। ठीक है, दोनों मेवाती नस्ल के हैं। ओके, एक ये है जिसको मैं लेके खड़ा हूँ, लेकिन कलर बहुत रेयर है भाई ये मेवाती के हिसाब से। हाँ भाई माशाल्लाह, इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो और ज्यादा रेयर मेवाती है। अच्छा, वो फुल वाइट में है, मेवाती वाइट में बहुत कमी से मिलते हैं। ओके जी, तो क्या डिटेल है फिरोज भाई इसकी? भाई ये बकरे की अभी अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल है, 105 से 110 किलो पे है बकरा, और बकरा हाइट है 41 इंच आपके सामने है, 41। ठीक है, और दांत पूरे हैं बकरे के। जी, और कब से रखे हुए हैं इस बकरे को? भाई इस बकरे को तकरीबन हमारे पास 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। क्या वेट पे आया था आपके पास? भाई ये 74 kg पे आया था बकरा। माशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो दूंगा, आप वो भी मेंशन कर देना उसमें। 74 kg पे बकरा आया था ये, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ 5 महीने में 105-110 किलो पे खड़ा है अभी बकरा। माशाल्लाह, भराई पे या सेल्फ फीडिंग पे? नहीं भाई भराई पे है बकरा। भराई पे लगाया होगा आपने? जी, इससे जी, पहले जी। जो आया था तो भराई से आया था, सेल्फ फीडिंग से ही आया भाई था? ये बकरा तो भराई से ही आया था। अच्छा, एक जो वाइट मेवाती मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जरूर सेल्फ फीडिंग पे था, लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग से ही भराई पे आया था। ओके, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मालवा टच। नहीं माशाल्लाह प्योर मेवाती है। हाँ, आप इसके चेहरे का पंच देख सकते हैं। हाँ, पंच जो है इससे पता चल रहा है कि मेवाती है। माशाल्लाह बहुत नायाब चीज है, और भाई सबसे बड़ी क्वालिटी ये हमारे भराई के बकरों में कि एकदम सुन नहीं है, हाँपते हुए नहीं है। ये आपके सामने बकरे हैं, बिल्कुल मस्ती खोर मस्ताते हुए चलते फिरते बकरे हैं। जी, चला के दिखाओ फिर। हाँ बिल्कुल भाई, ये देखिए ये खुला ही घूमते रहते हैं भाई। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा गार्डन है, ये इन्हीं लोगों के लिए है, यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, यही खाना पीना है इनका, सब घूमना। ठीक है भाई, इसको जाने दो, इसके बाद एक बच्चा और बचा है, उसको भी देखें। जी मैं वाइट वाला आपको दिखाया था मेवाती, ये है भाई वो जो वाइट मेवाती मैं आपको बता रहा था। माशाल्लाह, ये बेनते हसीन है भाई ये। जी ये बहुत रेयर चीज है भाई, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये वाइट मेवाती। जी, तो ये भी डिटेल पे है भाई, ये होगा अपना 75 से 80 किलो पे बकरा। 75 से 80 किलो इसका बॉडी वेट हो गया। और हाइट इसकी? हाइट होगी भाई इसकी 39 से 40। उनचालीस चालीस। उसके दांत? दांत तो पूरे है भाई, है
लेकिन इस बकरे से ऐसा लग रहा है देखने में कि एज थोड़ी कम होगी इसकी। हाँ भाई, एज इसकी थोड़ी कम है उसके मुताल्लिक, और ये बकरे को आए हुए टाइम भी कम ही हुआ हमारे पास, अभी जस्ट 3-3.5 महीने हुए इसको आए हुए। माशाल्लाह। तो फिरोज भाई, और कहाँ मिल सकते हैं इस ब्रीड के बकरे? जैसे मेवाती में भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ पूरा व्हाइट। जी ये भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो फारूक भाई है ना, जिनका ये माल है जी, उनको टोटल नायाब जानवरों का ही शौक है। ओके। टोटल खूबसूरत खूबसूरत चीजें ही वो परचेस करते हैं। अच्छा। ये सब जो माल है ये भाई ने मेरे को खुद ही परचेस करके यहाँ पहुँचाया है पलाई पे। अच्छा, अच्छा। इसमें मेरी कुछ भी परचेसिंग नहीं है। ये सब आपको फारूक भाई बता पाएंगे कि कहाँ से लिया क्या करा। बाकी मेवात की ब्रीड है ये, मुझे पता है कि ये बकरा मेवात से आया था। मेवात से आया था तो माशाल्लाह भाई बहुत ही रेयर है वो पूरा। आप देखिए ना इसका चेहरा, देखिए कितना स्मॉल फेस का बच्चा है, एकदम क्वालिटी देखो आप बच्चे की, माशाल्लाह। जी जी, देख सकते हो आप, खूबसूरत जानवर है। और सबसे खास बात ये लगी कि भाई एकदम छोटे बच्चे की तरह दौड़ता है वो। अरे भाई बिल्कुल माशाल्लाह, देखो ना अब ये छोड़ा, ये मस्ती देखो अब आप उसकी मस्ती, आप देख सकते हो रुकता नहीं है वो। अरे माशाल्लाह देखो ना, देखो जानवर में बता रहा हूँ जो भी भराई पे है बिल्कुल ऐसे है अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव। इसको तो अभी लिया होगा भराई पे आपने? हाँ भाई, ये अभी कुछ 2-2.5 महीने होगा इसको, 3 महीना जब से अपने पास है जब से भराई पे ही है वगैरह, नहीं तो सेल्फ फीडिंग पे। सेल्फ फीडिंग पे माशाल्लाह, आप देखो ना मस्तीखोर बच्चा है भाई। तो भराई पे लेने की वजह क्या है भाई? वैसे अच्छा है माशाल्लाह ये भाई। भराई पे लेने की वजह भाई को पसंद था कि अपन इसको भी माशाल्लाह बड़े वाले मेवाती की तरह वेट डालना चाह रहे थे। जी वेट डालना चाह रहे थे वो हिसाब से। और अभी फिरोज भाई अपने नेक्स्ट वीडियो भी बहुत सारे आने वाले हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप बॉम्बे लेके जाओगे, वहाँ भी शूट करना है आपको। हाँ भाई, ये भाई के ही बकरे हैं, भाई ने आज ही मेरे को व्हाट्सएप में लिस्ट भेजी है। उनके कुछ 3 बकरे भोपाल में है, कुछ बम्बई में है, कुछ सूरत में है, तो सभी बकरे सभी जगह से शूट करना है। तो इससे टोटल कितने बकरे होंगे भाई? आप ये मान के चलिए कहीं पे 10 बकरे हैं, कहीं पे 8 बकरे, कहीं पे 5 बकरे, ऐसे भाई के सभी तरह बकरे हैं। तो अभी लॉकडाउन को देखते हुए जैसे ये खुलता है भोपाल से, तो अपन इंशाल्लाह चलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो चलना ही है भाई, आप ही करना है सब शूट वगैरह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अभी इन बकरों की हमें डिटेल आपने सब बता दी है, वो नंबर आपका स्क्रीन के ऊपर है। अब जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे इंशाल्लाह जरूर कॉल करेंगे। बिल्कुल। और कुछ बोलना चाहेंगे भाई? नहीं भाई, बस शुक्रिया। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।